अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ऑफर शॉप में आपके लिए एक और इफ़ेक्ट लेके आए हैं, जिसका नाम हमने रखा है स्मोक इफ़ेक्ट। ठीक है, स्मोक इफ़ेक्ट आज हम ऑफर शॉप सीसी में बनाएंगे, जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र भी आ रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हमने इसे कैसे बनाना है। बहुत ही आसान काम है, बस एक तो टूल यूज़ करके हम इसको बना लेंगे। इसमें हम ज़्यादातर ब्रश टूल यूज़ करेंगे, ठीक है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे पास पिक्चर है, इसके ऊपर आज हम स्मोक इफ़ेक्ट बनाएंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने एक न्यू डॉक्यूमेंट लेना है और इसे कस्टमाइज में रखना है, ठीक है। तो इसका साइज और हाइट और विड्थ जो है ना, और रेजोल्यूशन जो है वो हमने सेलेक्ट कर लेनी है। कलर मोड भी हमने RGB पे रख लेना है और जो इसका बैकग्राउंड का है उसको हम वाइट रख लेंगे। हम इसका नाम लिख लेते हैं स्मोक इफेक्ट, देन क्रिएट। तो ये हमारे पास एक डॉक्यूमेंट बन के आ चुका है, हम इसके ऊपर काम करेंगे। तो सबसे पहले हम एक न्यू लेयर क्रिएट करते हैं और इसके ऊपर हमने ग्रेडियंट की मदद से कलर थोड़ा सा फिल करना है। लेयर वन को हम सेलेक्ट करते हैं और इसका जो ग्रेडियंट है, टूल्स की मदद से हम इसके अंदर थोड़ा सा ग्रेडियंट इफेक्ट अप्लाई करते हैं। इसका जो ये कलर है, इसको हम थोड़ा सा लाइट ब्लैक रख लेते हैं, देन ओके। इसके ऊपर हम अप्लाई कर देते हैं इसको। हमारा अप्लाई हो चुका है। अब आप मूव टूल की मदद से अपनी पिक्चर को उठा के अपने डॉक्यूमेंट में लेके जाएंगे, ठीक है। कंट्रोल टी की मदद से हम इसको रिसाइज करेंगे अपने डॉक्यूमेंट के मुताबिक। कीबोर्ड से कंट्रोल टी को प्रेस करने से कंट्रोल हैंडल्स आ जाते हैं और उनकी मदद से हम अपनी पिक्चर को रिसाइज कर सकते हैं। अब ये जो इसका वाइट एरिया है और इसको भी हम इसके बैकग्राउंड की तरह इसको ब्लैक कर देते हैं ब्रश टूल की मदद से। ठीक है, अब हमने लेयर के ऊपर एक मास्क अप्लाई करना है। सबसे पहले हम लेयर एडजस्टमेंट और इसको डीसैचुरेट करते हैं। आर्ट की मदद से हम इसके ऊपर मास्क अप्लाई करते हैं, लेयर मास्क। अब हम ब्रश टूल को सेलेक्ट करेंगे और सारा काम अब ब्रश टूल का ही है, ठीक है। ब्रश टूल की मदद से हम इफेक्ट बनाएंगे। यहाँ से हम ब्रश टूल का जो स्टाइल है वो यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं, इसका साइज थोड़ा छोटा कर लेते हैं। यहाँ से हम और स्टाइल को सिलेक्ट करते हैं, ये सारे जो ना स्मोक के स्टाइल्स हैं। यहाँ से हम कोई सा भी स्टाइल सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, जो हमने लेयर के ऊपर मास्क लगाया उसका जो मास्क का कलर है उसको हम ब्लैक रखेंगे, ठीक है। तो फिर ये अप्लाई होगा।
दोस्तों, आज का जो हमारा इफेक्ट था स्मोक का इफेक्ट, वो हमने बना लिया है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।